वेलकम ऑन इंजीनियर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे निटी मुंबई के बारे में। सो निटी मुंबई वॉज एस्टैब्लिश इन 1963 बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप जो मेरे पीछे वीडियो देख पा रहे हैं ये निटी मुंबई का कैंपस है। सो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कैंपस यहाँ पर है। निटी मुंबई में जो जो कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और कैसे आप निटी मुंबई ज्वाइन कर सकते हैं, इन सब पॉइंट्स के ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं बेसिकली निटी मुंबई कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रहा है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो निटी मुंबई जो कोर्स ऑफर कर रहा है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ थ्रू गेट एंड थ्रू केट, दो ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। अगर मैं कैट की बात करूँ तो कैट के थ्रू बेसिकली वो दो कोर्स ऑफर कर रहा है स्टूडेंट्स को। बेसिकली फर्स्ट कोर्स जो है वो आपका वो है पीजीडी आईएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जो दूसरा कोर्स है वो है पीजीडी आईएस आईएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूँ गेट की, सो गेट के थ्रू बेसिकली उसने तीन कोर्स ऑफर किए हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कोर्स, तो फर्स्ट कोर्स है हमारा पीजीडी आईई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड दूसरा कोर्स है हमारा पीजीडी एमएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट। जो तीसरा कोर्स है बेटा वो है आपके पास में पीजीडी पीएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये टोटल पांच कोर्स है जो निटी मुंबई ऑफर कर रहा है। बेसिकली इस वीडियो में ज्यादा फोकस हमारा गेट के ऊपर रहेगा। तो गेट के जो तीन कोर्सेज है उनमें से जो फर्स्ट कोर्स मैंने आपको बताया पीजीडी आईई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये उसका फ्लैगशिप कोर्स है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी इसी कोर्स को देने वाला हूं। सो पॉइंट आता है कि सर इन कोर्सेज को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है और इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद में वो कौन से पॉइंट्स है जो हमारे लिए या फिर ये कोर्सेज जो है हमारे लिए कितने यूजफुल है, इन सब पॉइंट्स के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। So, मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कैसे निटी मुंबई ज्वाइन किया जा सकता है। देखिए निटी मुंबई को ज्वाइन करने के लिए आपके पास में तीन स्टेप है। सबसे पहले आपको गेट देना पड़ेगा, मैं बात कर रहा हूं थ्रू गेट। सो सबसे पहले आपको बेटा गेट देना पड़ेगा। जब गेट में आपका स्कोर अच्छा होगा, अगर मैं बात करूं जो लास्ट कट ऑफ आ रही है उनके बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपका गेट स्कोर 700 प्लस ही होना चाहिए, 720 से 760 के बीच में, या फिर मैं बोल सकता हूं इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एनसीएल से है तो आपका गेट स्कोर 550 प्लस होना चाहिए। अगर आप एससी और एसटी से है तो आपका गेट स्कोर एससी के लिए 500 प्लस होना चाहिए और बेसिकली एसटी के लिए 420 प्लस होना चाहिए। ये पुराने रिकॉर्ड से मैंने देखा है कि बेसिकली जो गेट स्कोर आ रहा है एटलीस्ट मिनिमम क्राइटेरिया आपका गेट स्कोर का क्या होना चाहिए। तो सबसे जरूरी है कि आप गेट दे, गेट देने के बाद में जो आपका गेट स्कोर आएगा वो बेसिकली इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। उसके बाद में इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो अगर मैं मान के चल रहा हूं 100 मार्क्स का है, जस्ट एक मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा हूं, तो ये उस 100 मार्क्स में से उस 100 परसेंटेज में से 35% गेट स्कोर को देते हैं। जो रिमेनिंग परसेंटेज बचा है उसके अंदर वो आपके एकेडमिक्स वेटेज को, एकेडमिक्स जो अभी तक हुआ लाइक 10th हो गया आपका, 12th हो गया, बीटेक या बीई हो गया, उसको वो 20% वेटेज देते हैं। इस एकेडमिक्स में से भी अगर मैं बात करूं तो जो 10th का आपका मार्क्स है, जो परसेंटेज है या जो भी सीजीपीए आ रहा है आपका, उसको 5% वेटेज दिया जा रहा है। ओवरऑल 100 में से मैं बात कर रहा हूं। जो 12th का परसेंटेज है उसको भी 5% दिया जा रहा है और जो बीई और बीटेक का आपका परसेंटेज है उसे 10% वेटेज दिया जा रहा है। वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, अगर मैं बात करूं बेसिकली आउट ऑफ 100% ये 35% वेटेज देते हैं गेट स्कोर को, 20% वेटेज दे रहे हैं बेसिकली अकेडमिक्स को। अकेडमिक्स में आप, मैंने आपको बताया 10th 12th बीई और बीटेक, 10th को 5% 12th को 5% और बीई और बीटेक को 10% का वेटेज यहां पर मिल रहा है। अगर यहां पर वैलिड गेट स्कोर आपके पास में है और आपको कॉल आया है जीडीपीआई जो कि इनका फाइनल राउंड होता है, सबसे पहले आपको जीडी के लिए बुलाया जाता है, जीडी ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है यहां पर। अगर मैं बात करूं इस ग्रुप डिस्कशन में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई भी सोशल या फिर इकोनॉमिक करंट इश्यू जो चल रहा होगा वो पॉइंट वो टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। उस डिस्कशन के बेसिस पर भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं और जो मार्क्स दिए जाएंगे उनका 15% वेटेज होता है। और उसके बाद में आता मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल इंटरव्यू। अगर मैं आपको बताऊं निटी मुंबई, सो उनके लिए जो सबसे अच्छा पॉइंट है या एक ऐसा पॉइंट जो की पॉइंट आपके लिए प्रूफ हो सकता है सिलेक्शन में, जो सबसे अच्छा रोल प्ले करता है वो है पर्सनल इंटरव्यू। देखिए अगर आपने अभी तक के जितने भी राउंड है वो क्लियर कर लिए हैं और आप पर्सनल इंटरव्यू में पहुंचे हैं तो पर्सनल इंटरव्यू में जो पॉइंट्स हमसे पूछे जा सकते हैं उनमें सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन।
आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांगा जाएगा और वो इंट्रोडक्शन आपका बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आपकी हॉबीज के बारे में। देखिए अगर मैं बात करूँ हॉबीज के बारे में तो आपकी जो भी हॉबीज है उनको बहुत सोच समझ के वहां पर बताएं। सो आपसे इंटरव्यू में आपसे इंट्रोडक्शन मांगा जाएगा, हॉबीज पूछी जाएगी, आपके जो अचीवमेंट्स होंगे जो अभी तक आपने अच्छा किया है वो सब कुछ वहां पर आप बताएंगे। अब वो भले स्पोर्ट्स में हो, वो आपका लीडरशिप क्वालिटी हो, व्हाटएवर जो भी आपके अचीवमेंट्स है वो सब कुछ आप वहां पर बताएंगे। उसके बाद में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आपने अपने फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट किया है उसको बहुत अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि उसका इस पर्सनल इंटरव्यू में बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि सर अगर मैं पर्सनल इंटरव्यू में जा रहा हूं तो शायद मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं निटी मुंबई एक ऐसा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जहां पर टेक्निकल क्वेश्चंस पर बहुत कम फोकस किया जा रहा है, वो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज उनके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। सो इस पर्सनल इंटरव्यू को उन्होंने 30% वेटेज दिया है। तो अगर मैं बात करूं वंस अगेन, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, गेट स्कोर को 35%, अकेडमिक्स को 20%, जीडी को 15% और पर्सनल इंटरव्यू को 30%। तो ये उनका वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके बेसिस पर वो आपके सिलेक्शन को इंश्योर करते हैं, आपके सिलेक्शन को कंफर्म करते हैं। अगर आप इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तब जाके आप निटी मुंबई में एडमिशन ले पाएंगे। सो अब बात करते हैं निटी मुंबई में जो कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं इन कोर्सेज की फीस कितनी रहेगी। कोर्स फीस आपको पता है सभी को कि ये 2 साल का कोर्स है। सो अगर मैं बात करूँ थ्रू गेट, अगर गेट के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो कोर्स फीस रहने वाली है बेसिकली वो 12.53 लाख अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ 2 साल की फीस। अगर आप कैट के थ्रू आते हैं तो ये 14.53 लाख दोनों साल के लिए मैं आपको यहाँ पर फीस बता रहा हूँ। तो गेट के लिए क्या फीस है, गेट के केस में क्या फीस है और कैट के केस में क्या फीस है, वो दोनों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। फीस ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा होती है लेकिन आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं होती है। वहाँ पर आपको एजुकेशन लोन देने के लिए स्टॉल्स लगे होते हैं, आप कहीं से भी एजुकेशन लोन ले सकते हो, बहुत ही आसानी से एजुकेशन लोन मिल जाते हैं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अगर आप निटी मुंबई में एडमिशन लेते हैं तो आपका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो आप बड़ी आसानी से उस एजुकेशन लोन को वापस पूरा कर सकते हैं। पॉइंट आता है कि सर इतनी ज़्यादा फीस देने के बाद में हमारे प्लेसमेंट्स का क्या स्टेटस है। अगर मैं आपको बताऊं बेटा, जो लास्ट 2-3 साल हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके बेसिस पर 2019 में जो हाईएस्ट पैकेज गया है निटी मुंबई से वो है आपका 46.24 एलपीए पर एनम की बात कर रहा हूं मैं, 46.24 लाख पर एनम। अगर 2020 में मैं बात करूं तो ये 58 लाख पर एनम। सो ये बहुत अच्छा पैकेज है। अच्छी बात निटी मुंबई की है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट पैकेज बहुत अच्छा होता है पर एवरेज पैकेज बहुत कम होता है। अगर मैं बात करूं निटी मुंबई के एवरेज पैकेज की, सो 2019 में ये एवरेज पैकेज जो था ये था 19.77 और वहीं अगर मैं बात करूं बेटा 2020 में ये आ गया 20.88 लाख पर एनम। सो आप देख रहे हैं 19 से 20 एवरेज पैकेज इंक्रीज कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो फीस, कोर्स फीस जो इतनी ज्यादा है इसका क्या कारण है, क्योंकि यहां पर एवरेज पैकेज जो है आपका वो कोर्स फीस से बहुत ज्यादा है। इसलिए स्टूडेंट्स का जो ड्रीम कोर्स होता है वो निटी मुंबई में होता है। यही कारण है कि स्टूडेंट्स बेसिकली निटी मुंबई के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सो अगर आप भी बेसिकली इस निटी मुंबई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट पर फोकस करने की जरूरत है, साथ में आपका ग्रुप डिस्कशन, आपका पर्सनल इंटरव्यू, उन सब के लिए आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। अगर बेसिकली आप पर्सनल इंटरव्यू या जीडी में अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं तो इंजीनियर्स अकेडमी का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो आप वहाँ पर मुक इंटरव्यूज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टाइफेंड की, तो अगर स्टाइफेंड की मैं बात करूँ तो गेट के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 12,400 आपको स्टाइफेंड मिलेगा। गेट के थ्रू यहाँ पर कोई भी स्टाइफेंड नहीं है जो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से। अच्छा, प्लेसमेंट से रिगार्डिंग मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो कि बाकी इंस्टीट्यूट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा वो है प्री प्लेसमेंट। जैसे आपका 1 साल कंप्लीट होता है वहां पर कुछ कंपनीज आती है जहां पर आपको प्लेसमेंट्स में बैठने का मौका मिलता है, तो लगभग 35-40% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्री प्लेसमेंट मिल जाते हैं और जो बच जाते हैं उनको फिर सेकेंड ईयर में प्लेसमेंट्स दिया जाता है या फिर प्लेसमेंट्स में बैठने का मौका मिलता है। सो ये बड़ा अच्छा अचीवमेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए जिसमें वो 1 साल के बाद ही प्लेसमेंट ले लेते हैं और उसके बाद में बाकी जितनी भी अपनी पढ़ाई है वो बिल्कुल टेंशन फ्री होके करते हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ और डेटा के बारे में जो निटी मुंबई के लिए बहुत यूजफुल, मतलब आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है निटी मुंबई के बारे में, सो उसमें आता है सबसे पहले जो वहाँ के 10% टॉप 10% स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज पैकेज जा रहा है बेटा वो लगभग 36 से 37 लाख पर एनम जा रहा है,
ये टॉप 10 की मैं आपको बता रहा हूं। अगर टॉप 50% की मैं बात करूं बेटा स्टूडेंट की, तो उनका एवरेज पैकेज 25.5 LPA से 26.5 LPA तक जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो पैकेजेस है वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। सो अपने आप को तैयार कीजिए नीटी मुंबई के लिए। अगर किसी भी तरह की मदद की जरूरत होती है तो इंजीनियर्स अकेडमी हमेशा अवेलेबल है आपको इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, गेट की प्रिपरेशन के लिए। सो आई होप आपने सेशन को जरूर पसंद किया होगा। ये काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके काम आ रही है, अगर आप पसंद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए इंजीनियर्स अकेडमी के साथ में। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.